धन नहीं होता तो ये पैन भी नहीं आता, धन नहीं होता तो रोटी नहीं मिलेगी, धनी होगा तो देश नहीं चलेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी, साड़ी नहीं आएगी, धनी होगा तो कपड़ा भी नहीं मिलेगा, ठंड से मर जाएगा, धनी धन के बिना कुछ भी नहीं है। पहले मैं भी इस गलत फहमी में था कि सब धन 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 सब बेकार है, लेकिन उसके बाद जिस मैंने संस्कृत पढ़नी शुरू की तो वहां पढ़ा यस्यास्ति वित्तम सरन सनर कुलीन स पंडित स शतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती। अरे फिर मैंने जब धन की प्रशंसा सुनी और फिर मैंने देखा ये सारी दुनिया तो धन से चल रही है, कपालभाति करते रहो, आधा घंटा तक करना है, अभी 20 मिनट हुआ है, आज तो मुझे पूरा ब्रह्म ज्ञान देके जाना है आपको। सुनो, धन का धार्मिक लोगों ने, आध्यात्मिक लोगों ने, सात्विक लोगों ने तिरस्कार कर दिया, तो धन के ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी, उद्योगपति। अच्छे नेता भी हैं, वो मेरी बात का बुरा न मानना, उनको तो हमें आगे बढ़ाना है। अच्छे अधिकारी भी हैं, उनको तो हमें ताकत देनी है, वो तिरस्कृत है आज इस सिस्टम में। और अच्छे व्यापारी भी हैं तो देश की समृद्धि बढ़ा रहे, ये मेरा प्रसंग उनके लिए नहीं, सारा देश लूट लिया रे, भारतीय संस्कृति पलायनवादी नहीं है, और मैं पलायनवादी सन्यासी होता तो यहां आता ही नहीं, कहीं हिमालय में बैठा होता या पतंजलि योगपीठ में बैठा होता। मैं पलायनवादी नहीं हूं और मैं इस देश को भी पलायनवादी नहीं बनने देना चाहता, और मैं चाहता हूं जैसे मैं जगा, जैसे आप जगे, ऐसे पूरा देश जगे, और जग गया देश, और मुझे अब इस देश का भविष्य सुरक्षित दिखता है। अब एक बार दोबारा से एक धर्म युद्ध होगा, एक महासंग्राम होगा, और इसमें पाप या अनाचार पराजित होगा और धर्म और सत्य का साम्राज्य होगा। यह मैं आज यहां इस महायोगी श्री अरविंद की धरती से कह रहा हूं, जिसके लिए उन्होंने बार बार कहा था कि अभी वक्त नहीं आया। सचमुच उस समय देश काफी सोया हुआ था, श्री अरविंद चाहते थे परिवर्तन, और उन्होंने सशस्त्र क्रांति से लेकर के और बम से लेकर के, बंदूक से लेकर के, गोली से लेकर के, फिर बोली तक सबका प्रयोग किया। अंत में उन्होंने वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जागेगा ज्ञान से, इसलिए उन्होंने अपनी अंतिम जो यात्रा जीवन की वो ज्ञान पर केंद्रित कर दी, और वो जो दे करके गए वो आज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। श्री अरविंद ने कहा था परिवर्तन तो सुनिश्चित है लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था परिवर्तन तो सुनिश्चित है लेकिन इसके लिए मुझे सो सुदामा चाहिए। एक परिवर्तन वो करके चले गए, स्वाधीन हो गया भारत, स्वाधीनता के बीज बोके गए महर्षि दयानंद। उन्होंने कहा था मेरे जैसे हजारों सन्यासी चाहिए, उसको आगे बढ़ाए स्वामी विवेकानंद ने, श्री अरविंद ने, और फिर पूरे देश का स्वाभिमान जगा, और जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था उनको परास्त किया हमने, देश एक अर्थ में स्वाधीन हो गया, लेकिन अभी आधी अधूरी स्वाधीनता हमको मिली। भाई बहनों, स्वामी विवेकानंद के जो अधूरे सपने थे, महर्षि दयानंद के जो अधूरे सपने थे, श्री अरविंद के अधूरे सपने थे, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो वंदे मातरम को गाया था, और जिसको गा करके करीब गाते गाते 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपने जीवन की आहुतियां दे करके इस देश को आजाद कराया, उन सारे क्रांति वीरों के सपनों का भारत हम सबको मिलकर के बनाना है। बोले आप सब लोग तैयार हो इस काम के लिए? जरा हाथ उठा करके बता दो तो पूरी दुनिया को पता तो लग जाए। बोले भारत माता की वंदे,
वंदे मातरम तो यहीं से तो गूंजा, पूरी दुनिया में तो यहां से ऐसी गूंज हो कि आस्था के माध्यम से कर दुनिया के 200 देशों में ये लगे कि वंदे मातरम के स्वर अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। जरा हाथ उठा करके वंदे 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 भारत माता की। इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है हमको? मेरी जय क्यों बोलते हो तुम? बोले बाबा तू है इसीलिए तो वंदे मातरम बोल रहे। रोज मुझे लोग आजकल पता नहीं क्या हो गया रोज लेटर लिख रहे हैं। बोले बाबा आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं रहे तो कौन जगाएगा हमको? मैंने कहा क्यों? बोले बाबा जी आप का अस्तित्व मिटाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोग कुचक्र रच रहे हैं। मैंने कहा इस बार तुम डरो नहीं, इस बार सत्य नहीं मरेगा, इस बार तो पाप पराजित होगा, असुरत्व पराजित होगा, देवत्व विजयी हो तुम भयभीत मत हो। दरअसल क्या हो रहा है, हर दिन एक एक दो दो लाख लोग भारत स्वाभिमान के कार्यक्रमों में आ रहे हैं। आजादी के बाद यह पहली घटना है किसी साधु संत फकीर से रोज दो दो लाख लोग उसकी सभाओं में आ रहे हैं। यहां राजनेताओं की सभाओं में टोटा पड़ रहा है भीड़ का, पैसे देकर के भीड़ लानी पड़ती है फिर भी नहीं आते लोग। और यहां और वो दिन में 4 बजे 5 बजे बुलाते तब भी नहीं आते लोग, यहां सुबह ही 4-5 बजे आ जाते और रात तक आते ही रहते जिस गली से निकल जाओ। अब ये परिवर्तन इन बेईमान नेताओं को नहीं दिख रहा है और मैं तो चाहता हूं नहीं दिखे, जब हो जाएगा तब दिखेगा तब ये अच्छा रहेगा। भीतर भीतर ऐसी सिंगारी फूट रही है पूरे देश में कि अब ये पाप पराजित होगा। जरा बटरफ्लाई कर ले, थक गया हूं यार। 2 बजे आ गए ये बाबा, बोल रहे बाबा 2 बजे आ गए। क्या नाम है? सत्यकाम मुखर्जी। जाबाल सत्यकाम की कथा उपनिषदों में आती है, ये सत्यकाम जाबाल यही आ गए 2 बजे। कुछ तो रात को सोए ही नहीं है, गंगा के उस पार से आए। कितने लोग ऐसे हैं जो एक एक दो दो बजे जग गए, बोले बाबा आज तो नींद ही नहीं आई कि बाबा आ रहे हैं, हाथ हिलाओ तो। ओ बोले बाबा जान दे देंगे। अरे ये तो सब एक एक दो दो बजे उठ के आए हैं। अब जो देश इतना जाग गया है उसको कोई लूटेगा? अच्छा ये बताओ तुम योग योग करोगे कि ये जो हमने इन असुरों के राक्षसों के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, मैंने कहा ना पहले राक्षसों के दूसरे रूप थे, पहले रावण कंस जरासंध शिशुपाल, अब इन्होंने नया अवतार ले लिया है, कंस का नया अवतार, रावण का नया अवतार, ताड़का का नया अवतार, शिशुपाल का नया अवतार, इनके नाम क्या है? भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और बेईमान उद्योगपति। ये तीन 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 असुर हो गए नए। और इसमें कुछ नाम नहीं बोलूंगा मैं, कुछ ताड़ का भी शामिल है इसमें। दोनों ए हे भगवान, अभी किसी राजा रानी का नाम नहीं लेना नहीं तो और विवाद हो जाएगा। और सुनो इसमें कुछ भीष्म और द्रोणाचार्य भी बने हुए हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य किसको कहते हैं? जो सत्य को जानते तो हैं लेकिन सच का साथ नहीं दे रहे, वो मोहवश उनके साथ खड़े हैं। ये मोह भी तोड़ना है। जो जो इन भ्रष्ट और बेईमानों के साथ खड़े हैं उन सबको भी 2011-12 में अलग करना है। और 2011-12-13 ये परिवर्तन का काल होगा और इस परिवर्तन में सबको घरों से बाहर निकलना है। जितने भी हमारे योगी हैं इनको एक बार इस देश में एक राजनीतिक परिवर्तन भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। एक राजनीतिक परिवर्तन भी करना पड़ेगा 2011-12-13 में और 2020 तक के बाहर फिर से दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा 2020 तक। कितना आनंद होगा। हमारे देश में गरीबी भूख अभाव दरिद्रता अशिक्षा ये नहीं होगा। याद रखना दरिद्रता धर्म
नहीं है, ये श्री अरविंद के वाक्य मेरे अपने घर के नहीं है अरे भाई। और दर्शनों में भी यही कहा, मेरे साथ सब बोलो, आज मैं आपको पूरी तरह से पढ़ा के जाऊंगा, और आपको ही नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरे देश को ही पढ़ा रहा हूं। सब बोलो यतो, अरे यतो तो अब ये तो आपका ही एक्सेंट है, ओ ओ बोलो तो बंगाली हो जाता है, हो सहज बोलो तो हिंदी, सोहज बोलो, सोहज बोलो तो वो बंगाली हो गया। यतो अभ्युदय निःश्रेयसाः सिद्धिः सधर्मः। अब इसको ये तो दर्शन का सूत्र बताया मैंने, दर्शन शास्त्र कहता है जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो, भौतिक जीवन में उन्नति आध्यात्मिक जीवन में भी समृद्धि, दोनों तरफ भौतिक समृद्धि आध्यात्मिक उन्नति, ये क्या है? धर्म है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस, दो शब्द बोले वहां, जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो वो धर्म है। और श्री अरविंद क्या कहते हैं, दरिद्रता का नाम धर्म और आध्यात्मिकता नहीं है। क्या बोले श्री अरविंद, बोलो दरिद्रता का नाम, ये पूरा आपको 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 पूरे देश को मुझे सिखाना है। सब लोगों ने दरिद्रता को ही धर्म और आध्यात्मिकता मान लिया है। बोले बाबा जी आप लोग तो योगी हो, आप योग कराओ। अरे मेरे काम योग भी कराएंगे और देश को भी बचाएंगे, दोनों काम एक साथ साथ करेंगे। साथ साथ बोलो तो मेरे आधा हिंदी का वाक्य मैं पहले बोल रहा हूं, आधा बाद में, और आपके साथ पूरे देश के भीतर ही बैठ जाए, मन में, हृदय में, प्राणों में, बुद्धि में, आत्मा में, इसलिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, सब बोलेंगे मेरे साथ, दरिद्रता का नाम बोलो धर्म और आध्यात्मिकता नहीं है। दरिद्रता धर्म अध्यात्म नहीं है। अब समझ में आ गया, हम लोग आध्यात्मिक लोग दरिद्र हो गए, ये बेईमान जो है खीर पूरी खा रहे, रसगुल्ला खा रहे, मिष्टी दही खा रहे, तो बोलो ये धर्म है क्या? अरे धर्म नहीं है, धर्म है, पाप है। हाँ ये सिखाना है आपको, ये मुझे कहना था, इस जगत में जितना भी ऐश्वर्य है ये सब भगवान का है। सुनो हमने जगत का भी बहुत तिरस्कार किया, सुनो 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 सुनो, ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ये सारा जगत भगवान का सगुण साकार रूप है। सियाराम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम, ईशावास्य में दम सर्वम, तीन त्यक्ते न भुंजी था। दोनों हाथ सिर के पीछे बांध लो, सर्वाइकल स्मॉलिट स्पिन के लिए छोटे छोटे व्यायाम बता रहा हूं। ये सारा जगत भगवान का सगुण साकार रूप है, ठीक है? और जरा सुनना, इसका मतलब यह हुआ कि ये जगत का तिरस्कार किसी को नहीं करना है, जगत का तिरस्कार मत करो। और ये जगत, अब याद रखो, ये पश्चिम की तरह हमारे लिए ये जगत भोग की वस्तु भी, ये भगवान का सगुण साकार रूप है। ये प्रकृति हमारी मां है, श्री अरविंद के शब्दों में बोले, पूज्य माता जी के शब्दों में बोले, ये प्रकृति क्या है हमारी, और मां का दूध पीने का अधिकार बच्चों को है, लेकिन मां का खून पीने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकृति को विकृत करने का और प्रदूषित करने का हमें अधिकार नहीं है, प्रकृति का ज्ञान पूर्वक उपभोग करने का हमें अधिकार है। अभी भजन गा रहे थे ना कबीर का, भोग में योग सिखावे, गुरु कहां योग सिखाता है, गुरु भोग में योग सिखाते हैं। चलो तुमने यह हाथों का सब व्यायाम कर लिया ना, ये महर्षि अरविंद क्या कहते हैं, योग दर्शन क्या कहता है, वेद क्या कहता है, तीनों ही सुन लो, प्रकृति मां है और इसका उपयोग करो, और इसका जैसे मां का स्तनपान करते हैं ऐसे ही धरती माता से अन्न लो लेकिन इसकी कोख में विष मत डालो, इन वृक्षों से ऑक्सीजन लो लेकिन इसको काटो मत,
वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, आप